हेलो एवरीबॉडी, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी एयर इंडिया के अक्टूबर 2023 के कैबिन क्रू इंटरव्यू वैकेंसीज के बारे में। एयर इंडिया में कैबिन क्रू बनने के बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो भी मैं आज आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रचना, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ये वीडियो और ये वैकेंसी दोनों सिर्फ फीमेल कैबिन क्रू एस्पिरेंट्स के लिए है। द हायरिंग इज नॉट फॉर मेल कैबिन क्रू एस्पिरेंट्स एज ऑफ नाउ। एंड जो नेक्स्ट चीज है वो ये है कि एज ऑफ नाउ उन्होंने सिर्फ तीन जगहों पे या तीन वेन्यूज या तीन सिटीज में इंटरव्यू जहां कंडक्ट होने वाला है वो ही पब्लिश किए हैं। आई थिंक आने वाले दिनों में और जगहों पे और सिटीज में इंटरव्यूज कंडक्ट होंगे। तो आई वुड सजेस्ट यू दैट इफ यू आर नॉट फ्रॉम दीज सिटीज एज वेल, कीप लुकिंग एट देयर ऑफिशियल करियर्स वेब पेज। आई विल ऑल्सो कीप लुकिंग एट देयर ऑफिशियल करियर्स वेब पेज। अगर मुझे न्यू पब्लिश्ड सिटीज दिखते हैं, न्यू पब्लिश इंटरव्यू लोकेशंस दिखते हैं, तो ऑफकोर्स आई विल मेक अ वीडियो एंड पोस्ट इट। एंड इफ यू सी समथिंग न्यू एंड आई हैव नॉट पोस्टेड अ वीडियो, आई विल सजेस्ट दैट यू ऑल्सो डू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन फॉर मी। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कौन कौन से सिटीज में इंटरव्यू कंडक्ट होने वाले हैं। आपको इंटरव्यू लोकेशन, टाइम, वेन्यू सारी चीजें स्क्रीन पर दिख रही होगी। और शुरू करने के पहले, ये डिस्कशन करने के पहले, आई वुड लाइक टू से कि ये सारे वॉक इन इंटरव्यूज है, सो यू डोंट नीड टू रजिस्टर एनीवेयर, यू डोंट नीड टू डू ऑल दैट। इफ यूड लाइक टू रजिस्टर, अप्लाई एंड गो, वेरी गुड। इफ यू डोंट वॉन्ट टू डू इट ऑल्सो, इट इज ओके, इट इज अ वॉक इन इंटरव्यू। ठीक है, सो द फर्स्ट इंटरव्यू इज ऑन 9th अक्टूबर इन दिल्ली। आपको वेन्यू, लोकेशन, टाइम सारी चीजें स्क्रीन पर दिख रही होगी। इफ यू लाइक टू सेव इट फॉर फ्यूचर रेफरेंस, यू मे सेव इट। नेक्स्ट इज 10th अक्टूबर इन गुवाहाटी, 11th अक्टूबर इन मुंबई। एज ऑफ नाउ ये तीन सिटीज में ही इंटरव्यू कंडक्ट होने वाले हैं, यही चीज पब्लिश्ड है। आने वाले दिनों में अगर कहीं और जगह पे इंटरव्यू कंडक्ट होने वाले होंगे, सो आई विल ऑल्सो कीप एन आई फॉर इट एंड आई विल पोस्ट इट एंड लेट यू नो। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है टू बिकम अ कैबिन क्रू विद एयर इंडिया। अगर आप एक फ्रेशर है, द एज क्राइटेरिया इज दैट यू हैव टू बी एटलीस्ट बिटवीन 18 to 27। इफ यू आर एन एक्सपीरियंस कैबिन क्रू, एक्सपीरियंस कैंडिडेट, इट इज एक्सटेंडेबल अंटिल द एज ऑफ 35। ठीक है, अगर हम हाइट की बात करें, यू शुड बी एटलीस्ट 155 सेंटीमीटर्स टॉल, वेट शुड बी इन प्रोपोर्शन टू हाइट। उसका मतलब क्या है, योर बीएमआई शुड बी बिटवीन 18 to 22। नाउ आई वुड लाइक टू पुट दिस पॉइंट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्डली दैट बीएमआई रेंज 18 to 22 ही होना चाहिए। दे आर क्वाइट पर्टिकुलर अबाउट हाइट, वेट, स्कार्स और ये सारी चीजें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आती है। द रीजन बीइंग ये सारी चीजें चेक होंगी इंटरव्यू वाले दिन। तो इफ यू आर स्लाइटली ओवरवेट, यू डू नॉट फॉल अंडर 18 to 22 कैटेगरी, ट्राई टू रिड्यूस योर वेट बिफोर यू गो फॉर द इंटरव्यू। इफ यू आर स्लाइटली अंडर वेट, ट्राई टू इंक्रीज योर वेट सो यूर बिटवीन विद इन दिस रेंज। ओके, इसके अलावा मिनिमम एजुकेशनल की क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, यू शुड बी 10+2 फ्रॉम एनी रिकग्नाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटी। इट कैन बी फ्रॉम एनी स्ट्रीम, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, बट मिनिमम परसेंटेज यू शुड हैव एटलीस्ट 50% इन योर 12th मार्कशीट। ठीक है, दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट, दे विल चेक योर 12th मार्कशीट एज वेल ऑन द इंटरव्यू डे। सो मेक श्योर कि आपका वो है। अगर वो नहीं है तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप कोई और एयरलाइन ट्राई करें। इसके अलावा यू शुड बी वेल ग्रूम्ड, यू शुड हैव नो विजिबल टैटूज इन यूनिफॉर्म। सो वेल ग्रूम्ड का मतलब क्या है, यू हैव टू फॉलो प्रॉपर ग्रूमिंग गाइडलाइंस ऑफ एयरलाइंस, दैट इज डूइंग प्रॉपर मेकअप एंड योर हेयर ऑल्सो। ओके, सो ऑल दीज थिंग्स विल बी चेक्ड, दे विल चेक हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ, दे विल चेक हाउ यू केप्ट योर सेल्फ अप टू द मार्क इन टर्म्स ऑफ ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स। इसके अलावा नो विजिबल टैटूज वेन यू आर वेयरिंग द यूनिफॉर्म, सो दे विल चेक जो जो पार्ट्स एयर इंडिया की यूनिफॉर्म पहनने के बाद विजिबल होंगे, वो सारे बॉडी पार्ट्स चेक किए जाएंगे थरली टू मेक श्योर दैट यू डू नॉट हैव एनी विजिबल टैटू इन दोज एरियाज। ठीक है, हैव फ्लुएंसी इन हिंदी एंड इंग्लिश। अगर उनको ऐसा लगेगा कि प्रोबेबली यू आर somebody who does not speak fluently in Hindi, they will try to ask you questions in Hindi. If they feel that you are somebody who is not very fluent in English, they will ask you questions in English as well. ठीक है, generally interviews जो conduct होते हैं वो English में ही होते हैं, but just to check your language proficiency, they may ask you some questions in either of the language in which they feel that you are not up to the mark. इसके अलावा your vision should be 6x6. अब 6x6 vision का क्या मतलब है, तो बेसिकली इन मोस्ट ऑफ द एयरलाइंस स्पेशली इंडियन कैरियर्स में अगर आपको चश्मा है तो आप चश्मा पहनकर फ्लाई नहीं कर सकते। अगर आपको चश्मा है तो अगर आप उसको करेक्ट करके आपका विजन 6x6 कर सकते हो। अब करेक्ट करके विजन 6x6 का मतलब क्या होता है, इफ यू हैव लेंसेज यू कैन वेयर लेंसेज ऑफ द सेम पावर एंड आपका विजन अगर 6x6 हो जाता है विद द हेल्प ऑफ द लेंसेज, यू आर गुड टू गो।
ठीक है, तो चश्मा आप पहन नहीं सकते. इवन ऑन द इंटरव्यू डे आई वुड सजेस्ट कि आप चश्मा ना पहनो, बट इफ द इंटरव्यूअर आस्क्स यू कि क्या आप चश्मा पहनते हो, तो प्लीज टेल देम ऑनेस्टली कि यस यू वेयर यू डू वेयर ग्लासेस, बट इन द ऑन द इंटरव्यू यू आर वेयरिंग लेंसेज, इट इज अलाउड. ठीक है, तो यही है इनके बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. आज के इस वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को फॉर मोर फ्यूचर कैबिन क्रू एंड इंटरव्यू जॉब रिलेटेड कॉन्टेंट के लिए. थैंक यू वेरी मच, गुड बाय.